यदि आपके भी रुके हुए काम पूरे नहीं हो रहे हैं और आपके घर में शादी योग्य युवक युवती है, उनके भी रिश्ते नहीं जम पा रहे हैं और विद्यार्थियों का पढ़ाई में यदि मन नहीं लग रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको रविवार और गुरुवार के दिन लाल गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना है, जिससे आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएगी, आपकी शादी के योग बनेंगे, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए शास्त्रों में भी गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाने का विशेष महत्व बताया गया है। लोकल 18 की टीम को पंडित शैलेंद्र मुखिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यदि आपके रुके हुए काम पूरे नहीं हो रहे हैं, शादी के योग नहीं जम पा रहे हैं, विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप रविवार और गुरुवार के दिन सुबह के समय गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं, जिससे आपकी किस्मत बदलेगी और आपके सभी काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे। सूर्य बल और गुरु बल के लिए गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाने का शास्त्र में वर्णन है। आपको 5 रविवार और 5 गुरुवार यह उपाय करना है। लाल रंग की गाय को सभी लोग गुड़ और चने की दाल खिला सकते हैं, जिससे उनके रुके हुए काम पूरे होंगे। चंद्र बल और शुक्र बल के लिए वर वधु शुक्रवार, सोमवार और माह में आने वाली पूनम के दिन सफ़ेद और काले रंग की गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं। ऐसा करने से शादी के योग जल्दी बनेंगे। गाय को गुड़ खिलाने का क्या महत्व है शास्त्रों में? गाय को गुड़ खिलाने का इसलिए महत्व है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। वो गुड़ जो है वो निरोगता का प्रति है। गाय का दूध बड़ा ही गुणकारी होता है। गाय को गुड़ खिलाने से विद्यार्थी हो या ग्रस्त हो, उसके घर में सुख शांति वैभव आती है और जो रुका हुआ काम है उसका पूर्ण होता है। किस दिन खिलाना चाहिए गाय को? गुड़ खिलाने का सबसे बड़ा महत्व गुरुवार और रविवार और ग्यारस के दिन बड़ा महत्व बताया गया है।